अगर वो खुद बताती तो मतलब अच्छा रहता, किसी और के जरिए पता चलती है तो इससे पता चलता है कि वो अपने माता पिता पे विश्वास नहीं रखती। घर बार जरूरी है देखना कि लड़का कैसा है, कि कमा के खिला सकता है, रख सकता है, नहीं रख सकता। पुरानी मतलब कि साथ में जॉब करे और पैसा सेविंग करे, दोनों का विचार मिलना चाहिए, दोनों का मेहनत साथ में हो। ऐसा नहीं कि हम भी सिर्फ मेहनत करें और सिर्फ बैठे रहे, ऐसा नहीं है। आपकी एक डॉटर है जो कि एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में, और आपको ये बात किसी और के थ्रू पता चलती है, आपकी डॉटर के थ्रू नहीं पता चलता, तो क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं? मैम यही कि भैया मतलब उसको बताना चाहिए था, किसी और से पता नहीं चलनी चाहिए बात, ठीक है? अगर वो खुद बताती तो मतलब अच्छा रहता, किसी और के जरिए पता चलती है तो इससे पता चलता है कि वो अपने माता पिता पे विश्वास नहीं रखती या डरती है, ये चीज़ तो ठीक है। आपको ये बात पता चल जाती तो उसके बाद आप क्या स्टेप उठाने वाले, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस लड़के के साथ जा रही है, किस लड़के के साथ आ रही है। मैम पहले तो लड़के की छानबीन करनी चाहिए, ठीक है? अगर लड़का अच्छा हो तो कर देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में नहीं, अगर उसकी शादी की एज नहीं है तो क्या करेंगे, 18 उम्र तो मैम नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर तो लड़की को थोड़ा सा मतलब समझाएंगे, समझती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही समझते तो फिर साथ में सगाई करके छोड़ सकते हैं उस लड़के के साथ, किसी और के साथ। अगर लड़का अच्छा हो तो, लड़का अच्छा नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। सर आपकी सिस्टर है? हाँ जी है मैम। ओके, अगर आपको सिचुएशन है आपके लिए कि अगर आपको आपकी सिस्टर के बारे में कोई ये बताता है कि मैंने इसको यू फलाने लड़के के साथ देखा या मैंने इसको फलाने लड़के के साथ बाइक पे बैठे देखा, और आप अपनी सिस्टर से पूछताछ करते तो आपको पता चलता है कि हाँ वो सच में था, तो उस टाइम आप क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या आप करने वाले हैं? मैम पहले तो उससे पूछेंगे क्या आप तेरे को कोई दिक्कत है तो बता दे, नहीं बताएगी तो फिर घर वालों को कहेंगे हाँ भाई इनको कुछ करवाओ इनके लिए, नहीं मानते तो फिर उनको देख के एक बार घर बार देख के आएंगे, उनका अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं लगा तो अच्छा नाट देंगे, क्योंकि ना पहले घर बार जरूरी है देखना कि लड़का कैसा है, कि कमा के खिला सकता है, रख सकता है, नहीं रख सकता। अच्छा आप मुझे ये बताइए, लव मैरिज करते वक्त फैमिली जो है कई बार मना करती है, कई बार हाँ भी करती है, तो ऐसा क्या कंडीशन रहता है कि फैमिली हाँ करती है? वो तो मैम पता क्या होता है, घर वाले पहले देखते हैं लड़का और लड़की को, अगर लड़का लड़के की तरफ से है तो वो लड़की देखेंगे कि अच्छी है, आस पड़ोस में पता करेंगे कि कोई गलत काम तो नहीं है, है? अगर कोई दिक्कत है तो वो नाट देंगे, अगर सही है तो फिर घर वाले भी राजीनामा से करा देते हैं, फिर वो साथ भी देते हैं। पहले घर वालों को जरूरी बताना होता है, क्योंकि घर वालों को ना बताओ तो फिर वो पहले पीछे हट जाते हैं, कहते तुमने अपनी मर्जी से करी, अपने आप भुगतोगे। अच्छा तो उस टाइम फिर फैमिली साथ भी देती है। हाँ जी, थैंक यू सर। सर आप अनमैरिड है, आप शादी करेंगे तो आप जब कोई लड़की देखेंगे तो आप उसमें क्या क्वालिटी ढूंढते हो आज के समय में, क्योंकि पिछले समय से आज का समय बहुत ज्यादा बदल चुका है? सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि मैं भी शिक्षित हूँ, और अपने पैर पर खड़े भी होना चाहिए, मैं भी अपने पैर पर खड़े रहूँ। दोनों प्राणी मतलब कि साथ में जॉब करे और पैसा सेविंग करे, दोनों का विचार मिलना चाहिए, दोनों का मेहनत साथ में हो। यानी ऐसा नहीं कि हम भी सिर्फ मेहनत करें और सिर्फ बैठे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए आज के जनरेशन में। क्या कुंडली वगैरह मिलवाएंगे आप? नहीं कुंडली नहीं, नहीं मिलवाएंगे, विचार मिलना चाहिए कुंडली से ज्यादा। तो सर जैसे आप देखते हैं कि आज के समय में लड़कियां बहुत मॉडर्न हो गई है, उसी हिसाब से शादी से पहले अरेंज मैरिज में जो लड़कियां ढूंढना एक तरीके बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उस समय एक अच्छी लड़की मिलना भी एक लक वाली बात है, आप जानते हैं। तो अगर आप समझिए आपको मतलब हम तो कहेंगे अच्छी पत्नी ही मिले, लेकिन ऐसे क्या गुण आज के समय में आप एक लड़की में ढूंढते हो जो आपको सच में चाहिए कि उस लड़की में हो, गुण की हम बात करें? गुण की बात हो, शिक्षित अगर रहेगी, संस्कारिक रहेगी तो मेरे माता पिता को भी देखभाल करेगी, अपने माता पिता जैसे ही समझेंगे, और एक फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्त की तरह जीवन गुजर जाए, यही होना चाहिए। ओके, दहेज की हम बात करें, दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है, और एक तरीके से कहा जाता है दहेज में चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, दोनों पूरे पूरे इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपकी शादी में क्या आप इस तरीके कोई डिमांड करेंगे? हमारे यूपी बिहार में तो बहुत है, लेकिन हम शिक्षित है तो हम नहीं करना चाहेंगे, हम अपना पैर पर खड़े हैं, और भी अपना पैर पर खड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दहेज प्रथा की बात ही नहीं है। चलो जी, मतलब अगर जो दहेज प्रथा से जुड़ी हम बात करें तो सर ने साफ मना किया, मैं शिक्षित हूँ वो शिक्षित होना चाहिए, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। चलो जी, बहुत अच्छी सोच है, थैंक यू सर।